वतन, और वो वतन जो बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया हो, तो उसके लिए वही लोग सच्ची मेहनत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिन्हें एहसास होता है उन कुर्बानियों का जिसे देकर वतन बना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वतन से नहीं अपने करप्शन से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं होता उन कुर्बानियों का जो लोगों ने दी है जान माल की। उनको एक ही बात की लगन होती है कि जैसे तैसे पैसे बनाए जाए, चाहे वो इज्जत देकर हो, किसी को मारकर, अवाम को लूट कर हासिल हो। उन्हीं में से कुछ लोग बेगरज बेलॉस अपने वतन और अपनी अवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। आज की कहानी भी उन वतन से मोहब्बत करने वालों की कहानी है, जिसे देखकर आपके अंदर की मोहब्बत जो वतन की है एकदम जाग जाएगी। आज की कहानी बहुत अजीम कहानी है जो देखने से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान असल तो ये है, हाँ हम तो सारे लोभियों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, सब एक दूसरे को भूल चुके हैं। असल तो ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, मैं दिखाता हूँ, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, और ये है वो कलमा जिसकी बिना पे पाकिस्तान वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो फिर पाकिस्तान की क्या ही बात है। इस मुल्क के चार सूबे हैं, चार सूबे, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर भी है, वो भी है, सब आपस में बटे हुए हैं, सब आपस में कटे हुए हैं। जब ये एक होंगे, अगर हम सब इस कलमे के साथ एक हो जाएं, तो हमारा मुल्क शाद आबाद रहेगा। ये है वो तलवार, हजरत अली की तलवार, हजरत इमाम हुसैन की तलवार, यह है मौला कायनात की तलवार, और इसी बिना पे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक कलमे के नीचे रह रहे हैं, और हम एक मुसलमान कौम हैं। हमें ईमान रखना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। हमारा मुल्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यह है वो तलवार जिसकी बिना पे पाकिस्तान वजूद माया, कलमे की ताकत से हम बाहसियत मुसलमान इस पाकिस्तान में रहते हैं, इस पाकिस्तान को चाहते हैं, इस पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हैं? हाँ भी बड़े दिन बाद आना हुआ, बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा शायद आपको देख लूं, मुलाकात हो जाएगी। असल में बात ये है कि मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, नफसा नफसी लगी हुई है, लोग एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं, तो इस मुल्क में क्या होगा आप बताएं। भाई हम इस कलमे पे, कलमे की बिना पे हम वजूद में आए हैं। असल में हम लोग वाकई भूल चुके हैं अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को। हर आदमी चोरी फराड बेईमानी धोखाबाजी में लगा हुआ है, दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, हर आदमी अपने आप को देख रहा है, दुनिया को लूटने में लगा हुआ है, बस अपना मफाद पूरा हो, दुनिया की ऐसी कितने ये हुकूमत, हुकूमत कोई किसी की नहीं, ये गुरबत नहीं,
बल्कि गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं ताकि ना कोई गरीब रहेगा। फिर कहते हैं कि बरकत नहीं है। बरकत कैसे होगी भाई, लूट मारी का बाजार गर्म है, लोग भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, तो भाई कहाँ से बरकत होगी? ईमानदारी से काम करोगे तो बरकत होगी। असल में देखो शाह साहब, मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ टेंशन ही टेंशन, हर जगह टेंशन, हर देखो अजियत दे रहे हैं अजियत आवाम को, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो, और यहाँ तो बल्कि ये देखो जवाब पेट्रोल डलवाने है, बल्कि ये देखो जवाब जवाब पेट्रोल डलवाने है, तो अजीब अजियत बोलते बाइक से उतरो। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस मुल्क में एक साथ मिल के रहें, ईमानदारी से रहें, भाईचारगी से रहें, मोहब्बत से रहें, बेईमानी ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म हो, महंगाई का खात्मा हो, गुर्बत ख़त्म हो। हम लोग सब क्या कर रहे हैं, हम सबको मिल के रहना पड़ेगा। आखिर ये होगा कैसे भाई, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें भाईचारगी मोहब्बत से रहना पड़ेगा, इस्लामी निज़ाम के तहत हमें रहना पड़ेगा। ये हुई ना बात, कुछ करके दिखाओ फिर मानू। मुझे मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हाजिर है, जिस लायक भी है, जिस काबिल भी है, अब तो तेरी उंगली से भी नहीं निकलेगा, अब तो डोंगे बनाने पड़ेंगे, डोंगे। अच्छी बात, बोले डोंगे बनाने पड़ेंगे। तेरी उंगली से कुछ नहीं होता, बड़े खतरनाक जालिम लोग बैठे हुए। इसी सिलसिले में मैंने चार सुबह से नुमाइंदों को बुलाया हुआ है, इसी सिलसिले में मीटिंग करने के लिए। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आप तशरीफ लेकर आ जाइएगा और मिल के बैठ के बात कर लेंगे जो भी तय होगा। साहब बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, बहुत देर तक फराड़ी बंदों का पता नहीं चलता। हाँ बस अपना देखभाल करना जो करना। मैं तुम्हें बता दूंगा सलीम के मैं किसी कहानी बेनकाब करूंगा, इसका पोल में यूं खोलूंगा कि दुनिया देखेगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखो ये बहुत जरूरी है, तुम ये मुझे पहचानेंगे कि मैं अच्छे आदमी का बड़े लोगों में क्या काम। साहब चलो चलते हैं, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाँ कुछ काम है वो निपटा के फिर मैंने दूसरी जगह भी जाना है मीटिंग के लिए। ठीक है, मुझे कॉल कर ले। जी जी भले भले भले, हम हर वक्त हाजिर है आपके गुलाम भाई, जब आप फोन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल कोई काम हो तो बुला लेना। माशाल्लाह इस्लामी निजाम आएगा इंशाल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ गायब हैं आप? असल में हमारे इलाके में अफरत तफरी मची हुई है, बड़ी अफरत तफरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्राइम किस तरह रोकूं। जब से आप इक्तदार में आए हो तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से ही क्राइम बढ़ा है? अरे मैं इस निज़ाम को सही करना चाहता हूँ, निज़ाम को बेहतर करना चाहता हूँ। आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में ये सारा निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? तो आप सही कह रहे हैं, सलीम साहब भी मेरे पास आए थे और मैंने उनसे भी यही कहा कि मुझे इन जरम पेशा अफराद के साथ मिलना पड़ेगा, मुझे इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जब जाके इस मसले का हल निकलेगा। और आप देखना इंशाल्लाह मैं इस मसले का हल वो जल्द निकाल लूँगा। और आगे देखिएगा आप कि मैं क्या करता हूँ। शाहजी मैंने एक सीक्रेट मीटिंग रखी हुई है जिस पर आपका आना बहुत जरूरी है, मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप उसमें जरूर शामिल हो। आप देखें
इतने बड़े ऑफिसर हैं और आप तो बादशाह हैं भाई, और आपको तो पता होगा कि इलाके में जुर्म पेशे अफराद कौन हैं और क्या काम कर रहे हैं। बस आपने ये करना है कि उन सब पे आपने नज़र रखनी है और आपने मुझे बताना है कि कौन अफराद हैं जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, फिर देखी जाएगी। आप बादशाह हैं बादशाह। ठीक है शाह साहब, आपका साथ हो तो जुराइम का हम खात्मा ज़रूर करेंगे, मुजरिम का गिरबान और हमारा हाथ होगा, सिर्फ आपका साथ होगा बस। असल में मंशियात और नशे की आदि बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, जो राव सलीम राव आपके पास आएगा उस पे ज़रा नज़र रखनी है, क्योंकि लगता ये शरीफ है लेकिन अंडरवर्ल्ड वालों से मिला हुआ है ये। अच्छा ऐसा तो है। हाँ, इनके पीछे मुखबर लगाने पड़ेंगे। मुखबर लगाने पड़ेंगे तो लगाओ मुखबर और देखो ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे तो अच्छा इंसान लगता है वो। लेकिन तुझे पता है कि शरीफाना लिबास ओढ़कर ही एतमाद लिया जाता है। ठीक, तो राव भी सही है। ठीक बोलते हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। शक तो मुझे भी पड़ रहा है उस शख्स पे, कहेंगे वो। बहरहाल वो मीटिंग आप जरूर अटेंड करना। ठीक है, आप मुझे फोन कर देना, और मैं फोन अटेंड ना करूं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बिजी रहता हूं। ओके ओके, ठीक है इंशाल्लाह। इमरान, कहाँ हो भाई तुम? इलाके के मुतालिक तुमसे बात करनी थी। इलाके में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं। हाँ, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ बात करनी थी तुमसे। एक काम करो, मेरे फार्म हाउस पे आके मिलो मुझसे। किसी को खबर ना हो कि तुम मुझसे। हाँ हाँ हाँ, बेफिक्र आ जाओ, आ जाओ तुम, आओ फिर बात करते हैं।